हाँ नमस्कार दोस्तों, रोल इंस्टीट्यूट उदयपुर की लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हम देख रहे थे, लास्ट क्लास में हमने बात की थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो भी जेट में आए हुए क्वेश्चन थे उनकी बात की थी, कौन कौन से क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर थे उनमें आए हुए थे, तो उनकी हमने डिटेल से बात की थी। ठीक है भाई दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे जो बाकी के जो बच गए थे क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था लास्ट क्लास में रह गए थे, उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगता तो मैंने टाइमिंग के हिसाब से उनको छोड़ दिया था। अब इसको करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे एनिमल डाइवर्सिटी, किसकी बात करेंगे, एनिमल डाइवर्सिटी की। तो फटाफट एक बार लाइव आ जाइए, जब तक हम स्टार्ट करते हैं बाकी जो फ्रेंड्स हैं आपको उनको भी बोल दीजिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम भाई, नीरज गुज्जर। ठीक है, तो फटाफट से लाइव आ जाइए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। लास्ट क्लास में उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, मैंने बताया था डाउट की जब भी बात आए तो आप कमेंट सेशन में, जब भी वीडियो अपलोड हो जाए, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, जैसे क्लास खत्म होने के बाद वीडियो अपलोड होगा, वैसे ही वीडियो अपलोड होते ही आप कमेंट सेशन में कमेंट डाल दिया करो कि भाई सर इस क्वेश्चन के क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो कमेंट आपको जो भी कोई क्वेश्चन हो ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो जब भी वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद। लाइव कमेंट को मैं नहीं देख पाता तो इससे अच्छा रहेगा कि आप वीडियो जब अपलोड हो जाए उसके बाद आप क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा भाई। ठीक है, कल मैंने कमेंट नहीं देखा, ठीक है, अब मुझे याद आया जब कमेंट की बात कर रहा था, तो जो भी मैं अगर पिछली क्लास से रिलेटेड किसी के पास कोई कमेंट में कोई दिक्कत होगी तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए ताकि अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में जो क्वेश्चन थे बाकी रह गए उनको, और फिर आगे इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, हाँ गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मनीष डाखड़, नीरज गौर, ठीक है, गुड इवनिंग, हाँ गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। सर कैमरे को देखने के बाद सही है क्या? हाँ सही है, ओके चलो। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, पहले तो लाइव आ जाइए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो क्वेश्चन थे जेट में आए हुए, इसके बाद में हम आईसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज हम एनिमल डाइवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर में, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने लगभग 30 क्वेश्चनों के लगभग वीडियो अपलोड किए थे हमने। ठीक है, तो उसमें 30 क्वेश्चनों के लगभग तो था, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो बच गए जैसे 2019 से लेकर 2014 के लगभग क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए थे, तो उनकी भी हम बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन थे उनको। उसके बाद में आईसीआर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप, क्योंकि आपको पता है आईसीआर की एग्जाम आपकी आने वाली है, तो काफी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि आईसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप ऐप पे डालो, तो उनकी भी हम बात करते हैं। तो यूट्यूब पे हम जहां ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपको वो जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के जो आईसीआर में, ठीक है, जेट में, उनको भी सॉल्व कराया जाएगा। तो इसके बाद में हम एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जस्ट पहले इसको देखते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस क्या, स्पर्मेटाजोआ मतलब स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस है। ठीक है, ओके, स्पर्मियोजेनेसिस कौन सी प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस की बात करते हैं। हाँ क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की। स्पर्मियोजेनेसिस कल भी मैंने बताया था स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन की क्या होता है टेक्निक होती है स्पर्म फॉर्मेशन की। स्पर्म फॉर्मेशन मतलब किसका निर्माण होता है, स्पर्म का, स्पर्म का निर्माण होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में, इस प्रक्रिया में शुक्राणु का, स्पर्म का या स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। सही बात है, अब कैसे होता है, किससे होता है उसकी बात कर रहा है। तो इन स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस फ्रॉम, तो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म स्पर्मेटोजोआ का इन्हें नाम क्या है, स्पर्म है। तो स्पर्म का निर्माण किससे होता है, तो देखो अभी तक मैंने इसे पहले जो क्वेश्चन आए थे मैंने उसमें कभी भी बात नहीं की कि स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि उससे रिलेटेड हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। ठीक है, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन की बात करते हैं। युग्मक का निर्माण नर युग्मक या मादा युग्मक है, नर युग्मक शुक्राणु, मेल गैमेट स्पर्म, और फीमेल मादा युग्मक क्या होता है,
ओवम होता है, अंडाणु होता है, उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ हम स्पर्म की बात करें, मतलब स्पर्म का डेवलपमेंट कौन कौन सी प्रोसेस से होता है उसकी बात करेंगे। तो इसको समझने से पहले एक चार्ट आपको समझा रहा हूँ, वो चार्ट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये क्वेश्चन तो नॉर्मली मैं बता दूंगा कि भाई इसका आंसर ये होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आगे की प्रोसेस इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं जो आईसीआर जेट और बीएचयू में आए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। इसको समझने से पहले आपको याद रखना, मैंने बताया था कल स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की थी उससे पहले मैंने आपको सर्टोली सेल्स, लीडिंग सेल्स आपको याद होगा उनकी बात की थी। तो सबसे पहले जो टेस्टिस है उसके अंदर होती है कौन सी सेल्स, उसके अंदर होती है पीजीसी सेल्स। कौन सी सेल? पीजीसी सेल्स होती है। प्राइमरी जर्म सेल्स आदि जनन कोशिकाएं होती है, ये होती है 2N। कैसी होती है? 2N सेल्स होती है। समझते जाना भाई, ओके, हाँ डिटेल से समझते जाना। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्राइमरी जर्म सेल्स होती है, ये प्राइमरी जर्म सेल्स क्या करती है? माइटोसिस डिवीजन करती है। कौन सा? माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन। इससे पहले एक चार्ट बनाता हूँ, बाद में समझाता हूँ इसको। तो देखो स्पर्म का फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको हम बोल सकते हैं शुक्र जनन फट रहे हैं हिंदी में, ठीक है भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की शुक्र जनन फट रहे हैं। शुक्र जनन की बात कर रहे हैं तो कैसे होता है? तो शुक्राणु का निर्माण के दो प्रोसेस होती है, स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन की दो प्रोसेस होती है। समझते जाना, जीरो लेवल से बता रहा हूँ, पहले मैं डायरेक्ट बताने में था, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र जनन होता क्या है, तो शुक्राणु के निर्माण का प्रक्रम, शुक्राणु जिसको हम बोल सकते हैं स्पर्म, स्पर्म का निर्माण, स्पर्म का निर्माण क्या कहलाता है? शुक्राणु का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सबके समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आंसर आ रहे हैं 1-1, ठीक है, देखते हैं कौन सा है। अब देखो स्पर्म का निर्माण दो चरणों में होता है, पहले तो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, हिंदी भी लिखूंगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड पहला प्रोसेस तो यह है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिड का निर्माण, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड का निर्माण। समझते जाना, हम पढ़ रहे हैं शुक्राणु निर्माण का चरण। शुक्राणु के निर्माण के चरण में दो प्रोसेस आती है, पहली है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का निर्माण, और दूसरी है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस वो है स्पर्मेटो और ये है मियो, ध्यान रखना, वो है मेटोजेनेसिस, क्या है? मेटोजेनेसिस, और ये क्या है? मियोजेनेसिस, और इसको बोलते हैं शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन, ओके। ये है शुक्र जनन और ये है शुक्राणु जनन। तो हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन, स्पर्म के निर्माण की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो दो चरणों में बांटा गया है, पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का निर्माण, और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस, ये है स्पर्मियोजेनेसिस और वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। देखना भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूं, इसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन और वो है शुक्र जनन। ये दो चरणों में हम पढ़ते हैं, ठीक है, इजी वे में बता रहा हूं, दो चरणों में पढ़ते हैं। अब यहां हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड की, तो इसको तीन चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में? तीन। पहली है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, समझते जाना। दूसरी है ग्रोथ फेज और तीसरी है मैच्यूरेशन, हिंदी में भी लिख रहा हूं मैच्यूरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीपल होना, मतलब गुणा होना, गुणन प्रावस्था, पहली कौन सी है? गुणन प्रावस्था। ग्रोथ का मतलब आप जानते हो, ग्रोथ मतलब वृद्धि प्रावस्था, कौन सी प्रावस्था? वृद्धि प्रावस्था। और मैच्योर का मतलब भी आप जानते हो, मैच्योर मतलब परिपक्व होना, तो इसको हिंदी में बोलते हैं परिपक्व प्रावस्था, कौन सी? परिपक्व प्रावस्था। इन प्रोसेस से हम देखेंगे तो एक स्पर्म का निर्माण होता है। तो स्पर्म के निर्माण के दो चरण है, पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, इसको हम मैं फर्स्ट नंबर दे सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और दूसरा जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यहां फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में ए हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज, बी पढ़ेंगे ग्रोथ फेज, और सी पढ़ेंगे मैच्यूरेशन फेज। क्या पढ़ेंगे? मैच्यूरेशन फेज पढ़ेंगे। सबके समझ में आ गया? तो ये पढ़ेंगे। अब हम मैं बता रहा हूं आपको एक चार्ट के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? चार्ट के बारे में बात करेंगे, एक चार्ट हम पढ़ेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, के राजस्थानी, नीरज, अनिल, ठीक है, दिवेश हेकावत, के राजस्थानी के आंसर आ रहे हैं, फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, ओके, हाँ चलो। अब हम बात करेंगे
सबसे पहले तो ये प्रोसेस उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड क्या है, ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। अब हम एक चार्ट की बात करेंगे और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये एक पीजी सेल है, पीजीसी प्राइमरी जर्म सेल्स। एक बार बोल देता हूँ, हिंदी में प्राइमरी जर्म सेल और इंग्लिश में प्राइमरी जर्म सेल और हिंदी में आदि जनन कोशिकाएं। ये होती है 2N। कैसी होती है? 2N डिप्लोइड होती है। इसमें डिवीजन होगा माइटोसिस। कौन सा होगा? माइटोसिस। माइटोसिस समसूत्री विभाजन होगा और इससे क्या बनेगी? दो सेल्स बनेगी और उसे बोलते हैं ए टाइप के ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया, ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इसको हिंदी में यही स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। समझते जाना, ठीक है भाई। ये भी कैसा है? माइटोसिस डिवीजन है, तो ये भी कैसी होगी? 2N। और ये भी कैसी होगी? 2N। आगे चलते हैं। अब इनमें फिर क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा और इससे बनेगी चार। कितनी? चार संख्या में 4 क्या बनेंगे? बी टाइप के स्पर्मेटोगोनिया। अब माइटोसिस है तो ये भी क्या होगा? 2N। ये भी क्या होगा? 2N। ये भी 2N और ये भी 2N, ठीक है भाई। तो इसमें बी टाइप के स्पर्मेटोगोनिया, तो आप समझ जाना स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया हिंदी में लिख दिया स्पर्मेटोगोनिया। अब ये एक से कितने बन रहे हैं? 2। और 2 से कितने बन रहे हैं? 4। मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मतलब ये कौन सी परावस्था है? मल्टीप्लिकेशन फेज। अभी जस्ट बताया था मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ अवस्था, सॉरी गुणन परावस्था। क्या बोलते हैं? गुणन परावस्था, ठीक है भाई। अब स्टार्ट होती है, जैसे मैंने बताया था, यहां हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। उसकी पहली कंप्लीट हो गई, मल्टीप्लिकेशन फेज क्या हुई? कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ प्रावस्था। कौन सी फेज? ग्रोथ फेज। अब इनमें से क्या होता है? ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं और आकार में वृद्धि करके ऐसे हो जाते हैं, ऐसे बड़े हो जाएंगे। अब इसमें भी माइटोसिस होगा तो ये भी कैसा होगा? 2N होगा, 2N। अब ये अवस्था आ गई ग्रोथ फेज। कौन सी आ गई? ग्रोथ फेज। ये दूसरी ग्रोथ फेज, ठीक है भाई। दूसरी हो गई, पहली हो गई मल्टीप्लिकेशन फेज ए, बी हो गई ग्रोथ फेज। अब क्या होता है? अब ये बन गया स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट हिंदी में लिख देता हूं, स्पर्मेटोसाइट बन गया। क्या बन गया? स्पर्मेटोसाइट। पहले स्पर्मेटोगोनिया बना था, अब क्या बन गया? स्पर्मेटोसाइट। अब देखो यहां क्या होता है, इस स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। पहले माइटोसिस था, अब होगा मियोसिस, जिसको हम बोल सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूं, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब आपको पता है अभी तक माइटोसिस हो रहा था, इसमें भी माइटोसिस था, इसमें भी माइटोसिस था, यहां हम बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा? माइटोसिस होगा, ठीक है। लेकिन अब कौन सा हो रहा है? मियोसिस। तो अब 2N से क्या हो जाएगा? N। क्या हो जाएगा? N। तो ये N, ठीक है, ये N है और ये N है। पहले पीजी सेल थी, फिर बने ए टाइप के स्पर्मेटोगोनिया, फिर बी टाइप के स्पर्मेटोगोनिया, मतलब स्पर्मेटोगोनिया ही बने, फिर बने स्पर्मेटोसाइट। अब क्या बनेंगे? अब बनेंगे, हाँ, पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, है ना, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन हो गया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था। कौन सा था? प्राइमरी। अब बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसको इसी पेन से लिख देता हूं, हाँ, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक जिसको हम बोल सकते हैं। अब ये बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसको हम बोल सकते हैं द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। समझते जाना भाई, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, और आगे बता दूंगा। फिर देखो, अब ये 2N था, मियोसिस हुआ, अब ये क्या बन गए? N बन गए। मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो क्या था? 2N, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बन गया? N। फिर इसमें क्या होता है? फिर इसमें होगा मियोसिस सेकेंड। क्या होगा? मियोसिस सेकेंड, शॉर्ट में लिख देता हूं, मियोसिस सेकेंड। और यहां भी क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। अब आपको पता है एक से दो बनी, तो दो से कितनी बनेगी? चार।
तो ये चार सेल्स बन गई और इन्हें ये गोल है, राउंडेड है, तो ये एन थी, तो ये भी क्या होगी एन, और उन्हें बोलते हैं स्परमेटिड। क्या बोलते हैं? स्परमेटिड, स्परमेटिड्स है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं स्परमेटिड। ओके, सबके समझ में आ रहा है? ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? स्परमेटिड बोलते हैं। क्वेश्चन नहीं करवा कराओगे? क्वेश्चन ही तो करवा रहा हूँ रवीना चौधरी, क्वेश्चन ही तो करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन ये आपने शायद तक लाइव लेट आए हो। ठीक है, क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड स्परमेटो, हाँ, अब देखो अब क्या बन गए, स्परमेटिड बन गए। अब देखना अब क्या होता है, अब यहाँ हम बात करते हैं इस स्परमेटिड में क्या होता है, इस स्परमेटिड से किसका निर्माण होता है वो पढ़ेंगे, और इस स्परमेटिड से निर्माण होता है स्पर्म का। जो लेट हैं उनको एक बार मैं वापस रिवीजन कर दूंगा ताकि क्लियर हो जाएगा। अब किसका निर्माण होगा? स्पर्म का निर्माण होगा। ये स्पर्म का निर्माण हो रहा है, चार स्पर्म का निर्माण हो गया, और ये स्पर्म भी कैसे होते हैं? एन, कैसे होते हैं? एन हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, ये एन है, तो ये क्या बन गया? स्पर्म, या इसी को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। तो देखो पहले मल्टीप्लिकेशन फेज की बात की थी, भी ग्रोथ फेज की बात की, यहां से लेकर यहां तक हम बात करते हैं तो वो है मैच्यूरेशन फेज। कौन सी फेज है? मैच्यूरेशन फेज, मैच्यूरेशन फेज। ये तीन प्रावस्थाएं होगी, जैसे हमने देखा था यहां, यहां हमने देखा था, तो हम पढ़ रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, शुक्र जनन, सॉरी शुक्र जनन क्या कहता है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। इसकी दो प्रावस्थाएं, पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन और स्पर्मेटिड की बात करते हैं तो तीन प्रावस्थाओं में बांटा स्पर्मेटिड के निर्माण। अभी देखा था स्पर्मेटिड का निर्माण कहां हुआ था, ये रो स्पर्मेटिड। तो यहां तक का जो प्रोसेस थी, यहां तक की वो प्रोसेस थी, उससे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। मतलब ये स्पर्मेटिड का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? स्पर्मेटिड का। तो देखो यहां मैंने बताया था पहली प्रोसेस थी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और फिर स्पर्मेटिड से किसका निर्माण हो रहा था? स्पर्म का, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। देखो अब यहां स्पर्मेटिड का निर्माण हो गया, इस स्पर्मेटिड से किसका निर्माण होगा? स्पर्म का निर्माण होगा, और इस सेकंड प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? शुक्राणु जनन, क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई और ये स्पर्मेटिड का निर्माण। अब देखते हैं वापस, सबसे पहले मैंने अब वापस देखना, भाई जो लेट आए हैं उनको भी मैं बता देता हूं, वापस देखना आप सब, है ना? ओके, प्राग स्पर्मेटिड, हाँ बिल्कुल। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो दो प्रावस्थाओं में बांटते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड की बात करते हैं तो पहले इसकी बात करते हैं तो स्पर्मेटिड के निर्माण की तीन प्रावस्थाएं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज। जबकि यहां बात करते हैं तो इसे बोलते हैं शुक्राणु जनन, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे फिर मैंने इनको आरंभ बताया, एक चार्ट के रूप में बताया कि सबसे पहले एक प्राइमरी जर्म सेल्स है, प्राइमरी जर्म सेल में कौन सा विभाजन होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन से क्या बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया फिर क्या करते हैं? माइटोसिस डिवीजन करते हैं और क्या बनाते हैं? बी टाइप के स्पर्मेटोगोनिया। कौन से? बी टाइप के स्पर्मेटोगोनिया। मतलब अभी तक किसका निर्माण हुआ? स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हुआ। इस प्रावस्था को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर इनमें से एक स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि करके क्या बना रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, यह भी 2N है, यह ग्रोथ फेज हो गई। मतलब हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड की दो प्रावस्थाएं पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, अब इसमें होता है मियोसिस। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है और क्या बन रहे हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर उसमें मियोसिस सेकेंड हो रहा है और उससे क्या बन रहे हैं? स्पर्मेटिड बन रहे हैं। ये उम्मीद है आपने पहले पढ़े होंगे, तभी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं आपको। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटिड बन गए। अब सेकेंडरी स्पर्मेटिड जो सेकेंडरी स्पर्मेटिड से क्या बन गए? स्पर्मेटिड बन गए। ये स्पर्मेटिड है, ठीक है। क्या ये स्पर्म है? नहीं, स्पर्म की पहले की प्रोसेस है। इस स्पर्मेटिड में कायांतरण के द्वारा क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और ये भी एन है, ये भी एन है, लेकिन ये क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, सॉरी गतिहीन होते हैं, अनमोटाइल होते हैं। जबकि स्पर्म क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ये गोलाकार है, है ना, ये चम्मच के आकार के होते हैं। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि स्पर्मेटिड से गोलाकार अगतिशील, गोलाकार राउंडेड अनमोटाइल स्पर्म से मोटाइल स्पर्म का जो प्रोसेस है उससे क्या कहते हैं? तो उससे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहां से कौन कौन इतना डिटेल से क्यों समझाया मैंने इसको? क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो ये क्रम पूछ लेता है। सबसे पहले प्राइमरी जर्म सेल्स,
उसे बना स्पर्मेटोगोनिया, उसे बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसे बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसे बना स्पर्मेटिड और उसे बना स्पर्म। ठीक है भाई, ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, कौन 2N है और कौन N है? तो आपको पता चल गया कि स्पर्मेटोगोनिया की बात करें 2N, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है N, उसके बाद में मियोसिस सेकेंड हुआ तो ये क्या बन गए, बाकी स्पर्म भी N है, स्पर्मेटिड भी N है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है N, ये दूसरा क्वेश्चन। और अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको पता चल गया कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, तो देखो एक से कितने बन रहे हैं, चार। क्या बन रहे हैं, चार। अगर आपको पूछे 100 से कितने बनेंगे, तो 100 से कितने बनेंगे, 400। एक से चार बन रहे तो इधर 400। अगर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से पूछे कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, तो आपको बताया एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो तो स्पर्मेटिड और दो स्पर्मेटिड से क्या बन रहे हैं, दो स्पर्म बन रहे हैं। ये देखो ऊपर इससे दो बन रहे हैं, इससे भी क्या बन रहे हैं, दो। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन को देखते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो किससे होता है शुक्राणु का निर्माण? तो देखो यह हम बात करते हैं, तो देखो ये शुक्राणु है, स्पर्मेटोजोआ है या स्पर्म है, इसका निर्माण किससे हुआ, तो स्पर्मेटिड से हुआ। किससे हुआ, स्पर्मेटिड से हुआ। ओके आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे अगर ये स्पर्मेटिड नहीं होता तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। ठीक है, तो हम देख कर सकते हैं कि इस स्पर्म का निर्माण किससे हुआ, भाई इस स्पर्म का निर्माण हुआ स्पर्मेटिड से हुआ। ओके हाँ, अब LED लग गई है, हम दूर से भी आपके कमेंट देख सकते हैं भाई। ठीक है, ओके ओके चलो सर इस हाँ चलो ओके। तो स्पर्म की बात करते हैं, स्पर्म का निर्माण किससे हुआ, स्पर्मेटिड से हुआ। ठीक है, तो अब पूछे कि स्पर्मेटिड का निर्माण किससे हुआ, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। तो भाई इसकी रिप्लाई दो आप, तो कौन सा वो क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ इसके इस क्वेश्चन का जवाब दो आप कि कौन सा आएगा। तो स्पर्म का निर्माण किससे होता है, स्पर्मेटिड से होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही बता रहे थे अधिकांश बच्चे, कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, हाँ ओके चलो। स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ क्या होता है भाई, स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, ये जो स्पर्म बना था ना इसी को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ। मैंने लिखा स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, इसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। चलो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है हाँ, क्वेश्चन नंबर ये 13 की बात करते हैं। भ्रूणावरण भ्रूण को सहायता करता है, एमनियन इन हेल्पफुल इन एम्ब्रियो। भ्रूणावरण को क्या बोलते हैं, एमनियन। क्या बोलते हैं भाई, एमनियन। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि सबको दिख जाए। हाँ ये जेड 2016 का क्वेश्चन है। तो एमनियन किसमें हेल्प करता है, ठीक है भाई, एमनियन किसमें हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में करता है, प्रोटेक्शन में करता है, रेस्पिरेशन में करता है या एक्सक्रेशन में करता है, कमेंट करके बताओ। कि एमनियन आपको पता है, एमनियन क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है, तो ये किसमें हेल्प करती है, फटाफट रिप्लाई दो, किसमें हेल्प करती है जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड देखते हैं। गोपाल सोलंकी फर्स्ट, नंद किशोर सेकंड, केके राजस्थानी सेकंड, देवेंद्र चौधरी सेकंड, प्रदीप पेरवाल ए, आदित्य अग्रवाल सेकंड, केके राजस्थानी सेकंड, प्रोटेक्ट पे लॉक किया है 0, ये क्या है, बुद्धि प्रकाश शर्मा ओके, मनीष गोस्वामी सेकंड, के तानी डीके यादव सेकंड, इशिका मीणा सेकंड, हाँ मनीष गोस्वामी सेकंड, गोपाल सेकंड ओके, निराली इसने बताया न्यूट्रिशन में, अभी देखते हैं बुद्धि प्रकाश शर्मा एक्स्ट्रा यूरिन ओके, अभी देखते हैं जस्ट कौन सा जाएगा, मनु योगी सेकंड, रोहित नागर, अमित नीलेश, चलो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमनियन होता क्या है। चलो हमने तो ये बता दिया, तुक्का लगाया है, आपको आता होगा, बहुत अच्छी बात है, आता है तो ठीक है। एमनियन होता क्या है, तो एमनियन के बारे में बता दूँ तो पहले तो इंग्लिश बता देता हूँ, ये है एक प्रकार की EEM, क्या है EEM, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली, हिंदी में क्या बोलते हैं, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। अगर आपने पढ़ा होगा एमनियोसेंटेसिस टेक्निक, एमनियोसेंटेसिस परीक्षण, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, ठीक है,
तो एमनियोसेंटेसिस मतलब एमनियन, उसमें एमनियन फ्लूड होता है। क्या होता है? एमनियन फ्लूड। तो वो लिंक जांच में भी काम में आता है, आपने सुना होगा कभी, ठीक है। अगर नहीं सुना तो बता देता हूँ, ये ईएम है, ठीक है। एमनियन क्या है? एक प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। कितनी प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है? तो चार प्रकार की, ह्यूमन फीमेल में चार प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। पहली है एमनियन, दूसरी है कोरियन, ओरियन, ठीक है। लिख देता हूं मैं, एमनियन लिखा हुआ ही यहां, लिख देता हूं एमनियन, एमनियन, दूसरी है कोरियन, तीसरी है एलेंटोरिस, एलेंटोरिस, और तीस चौथी है, वो आपने सुना होगा नाम, योक्सेक, योक्सेक, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं पीतक कोश, पीतक कोश, ठीक है। ये चार प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। पहली है एमनियन, दूसरी है कोरियन, तीसरी है एलेंटोरिस, और चौथी है योक्सेक, पीतक कोश। इनके काम बता देता हूँ, एमनियन क्या करती है, तो सबसे पहले एक रफली डायग्राम बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। रफली डायग्राम में जैसे ये भ्रूण है, ठीक है, तो यहाँ क्या होती है, ये एमनियन कैविटी होती है। इसके अंदर भ्रूण क्या होता है, इस एमनियन कैविटी के अंदर भ्रूण क्या होता है, जो एम्ब्रियो है, क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलपमेंट करता है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या होती है, एमनियोटिक फ्लूड होता है। ये एमनियोटिक फ्लूड है, ठीक है। ये एमनियोटिक फ्लूड क्या होता है, जैसे कोई फीमेल है जिसके एब्डोमन कैविटी, जब फीमेल होती है तो उसके एंडोमेट्रियम की मायोमेट्रियम की मोटाई क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो उसमें जो एमनियो जो एम्ब्रियो है, इसके चारों तरफ क्या होती है, फ्लूड जम जाता है, और ये फ्लूड क्या कहलाता है, एमनियोटिक फ्लूड। क्या कहलाता है? एमनियोटिक फ्लूड कहलाता है। ये एमनियोटिक फ्लूड क्या होती है, जो भी मान लो कि फीमेल है, उसका पेट बाहर आ हुआ है, तो कोई भी शोक लग जाए बाहर से, कोई धक्का लगे, तो धक्का लगेगा तो एमनियोटिक फ्लूड क्या करेगा, उस धक्के को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे धक्का लगा बाहर से, तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो धक्का लगा था या जो भी शोक लगा था, वो इस एम्ब्रियो के पास नहीं आ पाता। मतलब बाह्य आघातों से क्या करता है, सुरक्षा करता है ये एमनियन। क्या समझ में आ गया? जो भी एक्सटर्नल शॉक्स है, जो भी धक्का लग गया, ये महिला को गिर गई, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी वो गिर गई, तो जो भी ये फ्लूड है, वो फ्लूड क्या करता है, उस जो धक्का लगा है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो आप ऑप्शनों में देख के बता सकते हो कि क्या करता है, बाह्य आघातों से क्या करता है, सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम जो एक्सटर्नल जो भी शॉक है उनसे क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। अब देखो सर, इसके अलावा भी ऑप्शन आ सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसमें श्वसन में भी मेन हेल्प करता है, लेकिन मेन काम है इसका क्या है, बाह्य आघातों से सुरक्षा करना। यह ऑप्शन को देख के हम टिक करेंगे। अब बात करते हैं कोरियन क्या करता है, एलेंटोरिस क्या करता है, योक्सेक क्या करता है। तो रफली बताता हूँ, कोरियन और एलेंटोरिस मिलकर ह्यूमन फीमेल के जो प्लेसेंटा होता है उसका निर्माण करते हैं। इसलिए ह्यूमन फीमेल है उसके प्लेसेंटा को बोलते हैं कोरियो एलेंटोरिक प्लेसेंटा। उसका नाम क्या है? कोरियो एलेंटोरिक प्लेसेंटा, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन में सेकेंड आंसर आ गया। आगे चलते हैं, हाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो भाई, ओके। आगे हम चलते हैं, जब एक अंडा, जब क्या, हाँ पहले कमेंट सेशन को देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस बिल्कुल सही है, प्रेक्षण में क्या करते हैं, सेक्स की पहचान भी करते हैं कि फीमेल है या मेल, आजकल इस पे बैन कर दिया गया है। इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस का काम क्या होता है, हाँ इसका काम क्या है, ये इसके अलावा जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उनके भी परीक्षण में क्या होता है, काम में आता है इस एमनियोटिक फ्लूड से। जैसे बता देता हूँ, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, इस एमनियोटिक जो कैविटी है उसमें क्या होता है, सिरिंज डाल के फ्लूड निकालते हैं, और फ्लूड का एनालिसिस करने के बाद उसे पता चल जाता है कि इसमें कौन से डिसऑर्डर्स है। उसका भी पुराने टाइम में इस पर क्या करते थे, लिंग परीक्षण में काम ले देते थे, महिला मेल है या फीमेल है। आजकल इस पर बैन कर दिया गया है, क्योंकि महिलाएं जब पता चल गई जो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट है वो कोई लड़की है, तो उसको वही हाँ नष्ट कर दिया जाता है। इसके लिए इसको क्या हुआ, आजकल बैन कर दिया गया है, ठीक है सर। स्टार्ट हो गया क्या? ओके चलते आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब एक शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है तो अन्य शुक्राणु का प्रवेश किसके द्वारा रोका जाता है। जेड 2016 का 2016 का क्वेश्चन है। तो आफ्टर स्पर्म हैज प्रोटेक्टेड ओवम एंट्री अदर स्पर्म प्रिवेटेड, हाँ प्रिवेटेड क्वेश्चन, हाँ सही, बिल्कुल सही है। तो किसके द्वारा रोका जाता है, कौन रोकता है, कि मतलब ओवा के अंदर ये ओवम है, इसके अंदर एक स्पर्म आ गया, इसके अलावा जो बाकी अदर स्पर्म थे वो अंदर नहीं आ पाते, इसको प्रोटेक्शन कौन देता है, ठीक है। कौन ऐसा इसमें इस ओवा में ऐसा क्या है जो बाकी स्पर्म के लिए क्या है, एक दीवार है, उनको अंदर नहीं आने देती ओवा के अंदर। तो देता हूँ, ह्यूमन फीमेल में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो केवल इस ओवा में केवल एक स्पर्म ही प्रवेश करता है, अदर स्पर्म प्रवेश नहीं करते, तो कौन रोकता है। तो वैसे तो
इसको हम देख के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इससे डिटेल समझेंगे कौन रोकता है। तो उसके लिए ह्यूमन फीमेल के ओवा का डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है भाई? ओके, हाँ समझते जाना, क्योंकि यहां से बाकी अदर क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, ठीक है? यह है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। क्या है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। हिंदी में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, ठीक है भाई? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। यह है प्लाज्मा लेमा। इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह भरा रहता है। इसके बाहर देखते हैं, प्लाज्मा लेमा के बाहर देखते हैं, तो इसके बाहर क्या है उसकी बात करते हैं। तो प्लाज्मा लेमा के जस्ट बाहर, समझते जाना, इस प्लाज्मा लेमा के जस्ट बाहर पाई जाती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जिसको हम बोल सकते हैं निषेचक झिल्ली। निषेचक झिल्ली, समझ जाना। इस प्लाज्मा लेमा के जस्ट बाहर कौन पाई जाती है? निषेचक झिल्ली। इस निषेचक झिल्ली के बाहर पाई जाती है प्राइमरी एक मेम्ब्रेन, प्राथमिक अंड झिल्ली, जोना पेलुशिडा। प्राथमिक अंड झिल्ली, जोना पेलुशिडा। ओके, प्राथमिक अंड झिल्ली कौन पाई जाती है? जोना पेलुशिडा। मतलब अंडे की जो प्राथमिक अंड झिल्ली है, प्राइमरी एक मेम्ब्रेन है, उसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुशिडा। तो यह है जोना, जोना पेलुशिडा। हिंदी में बोल सकते हैं जोना पेलुशिडा। ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, प्राथमिक अंड झिल्ली, जोना पेलुशिडा है, ठीक है भाई? पूरे डिटेल से बता रहा हूं, ठीक है? अब इस प्राथमिक अंड झिल्ली पर पाई जाती है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कोरोना रेडेटा। कौन पाई जाती है? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कोरोना रेडेटा। ऐसे चारों तरफ कवर होती है, पूरा डिटेल से नहीं बता रहा मैं, इसके चारों तरफ मतलब इधर लाइनिंग प्रेजेंट होती है, चारों तरफ ऐसे कोरोना रेडेटा होती है, ठीक है? टाइम कम है तो मैं रफली बता देता हूं, यह है कोरोना रेडेटा। कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ये सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन है। ये कौन सी थी? प्राइमरी फर्स्ट लिख देता हूं, और ये कौन सी है? सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन कौन सी है? कोरोना रेडिएटा। अब देखो, अब समझने वाली बातें हैं सब। अब ये कोरोना रेडिएटा की जो जो सेल्स होती है वो आपस में एक एसिड से जुड़ी होती है, आपस में एक एसिड से जुड़ी होती है। उसका नाम बताओ भाई फटाफट, उसका नाम क्या होता है? कोरोना रेडेटा आपस में किससे जुड़ी होती है? फटाफट रिप्लाई दो, किससे जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड से जुड़ी होती है। दिख नहीं रहा होगा मुझे, पता है कमेंट आएंगे अभी। हिंदी में लिख देता हूं, हाइलुरोनिक अम्ल या हाइलुरोनिक एसिड या हाइलुरोनिक अम्ल। ये एक ह्यूमन फीमेल के ओवा की बात करते हैं तो ये सब स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलती है। चलो आगे चलते हैं। सर ये वीडियो डाउनलोड नहीं होता क्या? डाउनलोड का क्या करोगे भाई, लाइव क्लास ले रहे हो तो। हाइलुरोनिक एसिड, बहुत बढ़िया। हाँ आदिति, अब बात करते हैं, ये तो ह्यूमन फीमेल का ओवा हो गया, अब इसके पास कौन आएगा? आप तो जाओगे नहीं भाई, क्या लेने जाओगे, कोई काम ही नहीं है, तो इसके पास कौन जाएगा? स्पर्म जाएगा। स्पर्म का काम है, या ये एक स्पर्म है, ठीक है? स्पर्म की हम बात करते हैं, हाँ ओके, स्पर्म की हम बात करते हैं तो स्पर्म का जो एंटीरियर पार्ट है उसमें ये क्या है? एक्रोसोम है। क्या है? एक्रोसोम, एक्रोसोम है। अब देखो, एक स्पर्म तो आएगा नहीं, बहुत सारे स्पर्म आते हैं, वैसे तो बता देता हूं, ये बहुत सारे स्पर्म इसके पास आते हैं, चारों तरफ से आते हैं, इधर भी आएंगे, ठीक है? बहुत सारे स्पर्म आते हैं, और एक से अधिक स्पर्म को आने से कौन रोकती है? ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन रोकती है। कौन रोकती है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन रोकती है। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर हो गया कि एक से अधिक मतलब पोली स्पर्मी, उसको क्या बोल सकते हैं? पोली स्पर्मी। पोली स्पर्मी को कौन रोकता है? तो एक से अधिक शुक्राणु का, एक से अधिक स्पर्म को अंदर एंट्री को कौन, पोली स्पर्मी को कौन रोकता है? तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन रोकती है। ये तो हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। ये देखो क्वेश्चन ये रहा
कि पॉलिश प्रेमी को कौन रोक रहा है, तो ये देखो फर्टिलाइजेशन कला डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या होती है, पॉलिश प्रेमी को क्या करती है, रोकती है, ठीक है, एक से अधिक स्पर्म की एंट्री को रोकती है। ये यहाँ तक तो क्या हो गया, क्वेश्चन का रिप्लाई हो गया था, लेकिन हमें आगे चलना है। हाँ ओके, आगे हम चलेंगे तो इसमें मैंने यहाँ तक समझा दिया था कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन है, जोना पेलुशिडा है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कौन है, कोर्ना रेडेटा है। कोर्ना रेडेटा आपस में किससे जुड़ी होती है, हाइलुरोनिक एसिड से जुड़ी होती है, किससे, हाइलुरोनिक एसिड से जुड़ी होती है। अब आपको पता है कल मैंने स्पर्म के एक्रोसोम में एंजाइम बताए थे, आपको याद हो, तो स्पर्म के एक्रोसोम में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम, और कौन कौन से होते हैं, पहला है हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है, दूसरा होता है सीपीई कोरोना पेनेट्रिंग एंजाइम, और तीसरा होता है जोनालाइसिन, कौन सा होता है, जोनालाइसिन। आपको पता है कल की क्लास में मैंने बताया था कि स्पर्म के जो एक्रोसोम होता है उसमें तीन एंजाइम होते हैं, पहला है हाइलुरोनिडेज, दूसरा है सीपीई कोरोना पेनेट्रेट एंजाइम, और तीसरा है जोनालाइसिन। क्या नाम है, जोनालाइसिन। चलो देखते हैं अब कि कैसे जाएंगे अंदर, कैसे जाता है अंदर, ऐसे थोड़ी भाई स्पर्म को डायरेक्टली ओवा ने बुला लिया, आओ आओ हम चलते हैं अंदर आपकी तरफ, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे सामना करना, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, एक छोटे से स्पर्म को इतने सारे प्रोटेक्शनों को क्या करना, पार करना पड़ता है, कैसे करता है इसको देखते हैं हम। सबसे पहले जो स्पर्म का एक्रोसोम है उसमें एंजाइम कौन सा है, हाइलुरोनिडेज, ये हाइलुरोनिडेज नाम से पता पड़ रहा है, हाइलुरोनिडेज ये किसको तोड़ेगा, ये जो हाइलुरोनिक अम्ल है उसको तोड़ता है, ये जो हाइलुरोनिक अम्ल है ना इसको क्या करेगा, तोड़ेगा, ठीक है, कोशिश करता हूं मैं मिटाने की, ये इस हाइलुरोनिक अम्ल को तोड़ेगा, ऐसे तोड़ देगा भाई, किसने तोड़ा, हाइलुरोनिडेज ने तोड़ा, किसको तोड़ा, हाइलुरोनिक अम्ल को तोड़ दिया, यह हाइलुरोनिक अम्ल चला गया, ठीक है। अब दूसरा एंजाइम, नाम से पता पड़ रहा है कोरोना पेनेट्रेट एंजाइम या कोरोना पेनेट्रिंग एंजाइम, कोरोना को भेदने वाला एंजाइम, इस कोरोना रेडेटा को, जो कोरोना रेडेटा थी जो सेकेंडरी एग वॉल थी उसको क्या करेगा, तोड़ेगा, मतलब यहां तक आ गया ये स्पर्म, ये यहां तक आ गया, मतलब दोनों हट गई, ठीक है। अब इसके सामने एक नई दीवार आ गई, और नई दीवार आपको पता है मैंने बताया था उसका नाम क्या है, जोना पेलुशिडा, नाम क्या है, जोना पेलुशिडा। अब आपको पता है एक्रोसोम में एक और एंजाइम, एक और ब्रह्मास्त्र है, उसका नाम क्या है, जोनालाइसिन, क्या नाम है, जोनालाइसिन। और ये ब्रह्मास्त्र किस पे यूज करेगा, ये ब्रह्मास्त्र जोनालाइसिन किस पे यूज करेगा, इस जोना पेलुशिडा को तोड़ने के लिए करेगा, और ये जोना पेलुशिडा क्या होगी, टूट जाएगी, और जैसे ही ये जोना पेलुशिडा टूटेगी तो स्पर्म कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया। ओ कुछ हो रहा है ये कि हाँ भाई चलो दीवारें तो तोड़ी मैंने, अब यहाँ आ गया, अब इसके पास एंजाइम खत्म। अब क्या होता है, एक स्पर्म को तो एंट्री कौन देती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन देती है। अब इस पे भी क्या होता है, ओवम पे तो क्या पाया जाता है, फर्टिलाइजिन, और स्पर्म पर होता है एंटी फर्टिलाइजिन। ओवा पे तो क्या होता है, फर्टिलाइजिन, और स्पर्म पे क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिन। जब फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन की क्या हो जाती है, मैचिंग हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि हाँ हमारी स्पेसीज का स्पर्म है, तो उसको अंदर एंट्री होती है, अंदर एंट्री करेगा, और अंदर एंट्री जाने के बाद पूरा स्पर्म अंदर चला जाएगा। अगर फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन वापस यहाँ आ जाती है, और बाकी स्पर्म को क्या करती है, बाहर जाओ कि आप जाओ भैया आपका काम नहीं है, हमारी जो जिसकी जरूरत थी वो अंदर चला गया, अब आप वापस चले जाओ, ठीक है, ऐसा होता है, समझ में आ गया। तो ये एक्रोसोमल एंजाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2019 का क्वेश्चन आया था, 2019 का क्वेश्चन भी क्या था बता देता हूँ, कि जो कोरोना रेडेटा है उसको भेदन करने वाले एंजाइम कौन से होते हैं, तो उसमें एक ही एंजाइम था, हाइलुरोनिडेज ऑप्शन में, तो ये 2019 का क्वेश्चन, जेड 2019 का क्वेश्चन था रिप्रोडक्शन से, ओके ये भी बता देता हूं, ये सबके समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ तो इसका आंसर आपको मैंने बता दिया, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करती है, पॉलीस्पर्मी को रोकती है, किसको, पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है। ओके आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ये मैंने करवा दिया था, हाँ बाकी क्वेश्चन हो गए थे इसके, ठीक है भाई। हाँ ये रहा वो क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है ये रहा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अंडाणु के कोरोना रेडेटा, अभी बताया था ये अंडाणु कोरोना रेडेटा झिल्ली होती है, का भेदन कर अंडाणु की कोशिका झिल्ली प्लाज्मा लेमा तक पहुंचने के लिए शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा स्रावित एंजाइम। अभी जस्ट बताया था मैंने कि अंडाणु के, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन कर वो इतना डिटेल से बताया था कि अंडाणु के जो, हाँ एक स्पर्म की एंट्री करने के बाद क्या चेंज होता है, तो देखो इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इसका माइटोकॉन्ड्रिया, इसका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, तो ये क्या हो जाते हैं, उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। इसका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, क्लीवेज को स्टार्ट करता है, क्या करता है, क्लीवेज को। इतना हमें डिटेल से नहीं पढ़ना, जितना मैंने क्वेश्चन था उससे भी काफी एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की है, बाकी बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ठीक है, बुद्धि प्रकाश शर्मा, बिल्कुल हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड को घोलता है। आगे चलते हैं,
तो हाँ इसमें देखते हैं। हाँ अच्छा आप ऑप्शन बता रहे हो, ठीक है तो इसका ऑप्शन बताओ भाई कौन सा आएगा। हाँ तो द एंजाइम वाज सीक्रेटेड बाय स्पर्म एक्रोसोम द पेनिट्रेट कोरोना रेडेटा ओवम एंड द रिच एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, ठीक है तो कौन सा एंजाइम है जो जो अंडाणु है उसके कोरोना रेडेटा को भेद कर कहाँ जाता है, अंदर जाता है। तो जस्ट अभी देखो मैंने बताया था ये रहा कि इसमें तीन एंजाइम होते हैं। वैसे तो कोरोना डेटा को कौन तोड़ेगा, वैसे तो कोरोना डेटा को तोड़ता है कोरोना पेनिट्रेट एंजाइम, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। तो ऑप्शन में देखते हैं तीनों में कौन सा है, तो तीनों में से हाइलुरोनिडेज है और एक जोनालाइसिन नहीं है। तो तीन एंजाइम होते हैं जो तोड़ने का काम करते हैं, हाइलुरोनिडेज तो हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ेगा, जोना पेलुसिडा को कौन तोड़ेगा, जोना पेलुसिडा को जोनालाइसिन तोड़ेगा, और कोरोना डेटा को कौन तोड़ता है कोरोना पेनिट्रेट एंजाइम, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या है, हाइलुरोनिडेज, तो इसी को मान लेते हैं। और इसी को मान के ही 2019 का क्वेश्चन आया था जो मैंने बताया आपको अभी जस्ट ये रहा, ठीक है तो कौन तोड़ेगा, हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। बाकी हम देखते हैं ग्लूकोसाइडेज नहीं आएगा, एनएडी काइनेज नहीं आएगा और फास्फोलाइलेज भी नहीं आएगा। ओके ये तो हो गए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन इतने ही थे, 2019 का क्वेश्चन भी हमने किया, दो तीन क्वेश्चन थे बाकी मैंने कल करवा दिए थे 2019 के, कि जो इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे आपको बताया था मैंने, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन को कौन सी सेल्स कौन से हार्मोन करता है, तो LH हार्मोन बताया था मैंने लास्ट क्लास में। चलो आगे चलते हम। हाँ अब हम बात करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी के क्वेश्चनों की। देखो एनिमल डाइवर्सिटी के ये 32 क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि 31 से पहले के क्वेश्चन मैं सोल्व करा चुका हूँ लेक्चर नंबर फर्स्ट में। कौन से में, लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने वो क्वेश्चन सोल्व करा दिए। अब जो क्वेश्चन बच गए उनकी हम बात करेंगे, तो स्क्रीन पे आपके सामने है पहला क्वेश्चन है कि वैसे तो मैंने एनिमल डाइवर्सिटी आपको लगभग आधी से ज़्यादा करवा दी, तो उसमें से आपको अधिकांश क्वेश्चन तो आपको देख जिन लगातार वीडियो देख रहे हैं उनको आ गए होंगे। तो केचू में जो टिप्लोसोल का काम क्या है, टिप्लोसोल आप जानते हो इसका काम बताओ भाई फटाफट बताओ। मैंने लास्ट क्लास में जब एनिमल डाइवर्सिटी क्लास ली थी तो लास्ट क्लास में हमें टिप्लोसोल ही चल रहा था, तो टिप्लोसोल का काम बताओ क्या होता है। हाँ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, द कंट्रोल ब्लड फ्लो, ठीक है द इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ इंटेस्टाइन एपिथेलियम, और फिर है द सिक्रेटेड डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है, इमल्सिफिकेशन वसा का इमल्सिफिकेशन करवाती है, या रक्त प्रवाह या ब्लड कंट्रोल को फ्लो को करती है, या आंत्र के औषधों क्षेत्रफल को बढ़ाती है, फटाफट बताओ। ये जेड 2018 का क्वेश्चन है भाई, वैसे तो मैंने क्लास में करवा दिया था फिर भी आप बताओ क्या करती है ये, जल्दी बताओ। ओके कमेंट आ रहे हैं फटाफट, वीर तेजा लीलण, बहुत बढ़िया अच्छा नाम है लीलण, तेजाजी घोड़ी का नाम है लीलण, हमारे लोक देवता है तेजाजी, परबसर में इनका मंदिर भी है। अच्छा रिप्लाई दे रहे हो तेजाजी आप। आसाराम थर्ड, कैलाश, गोपाल सोलंकी, बहुत बढ़िया। बाकी लाइव सेशन में काफ़ी कम बच्चे आ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट को भी आप टैकल करो कि अब ICR की एग्ज़ाम आने वाली है, तो ICR में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनके आप डाउट क्लासे लिया करो ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए भाई जो भी डाउट। अब ऐसा नहीं कि मैं केवल पेपर सोल्व करा रहा हूं, इसके आसपास में जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो उनको ज़्यादा मैं नोटिस कर रहा हूं। मेरा काम केवल पेपर सोल्व कराने नहीं है, उससे रिलेटेड आप किस EGV में उसको कर सकते हो, बाकी उसके आसपास वाले कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे एक चार्ट के रूम में हम इनको समझ रहे हैं, वो सब चीज़ें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है सबके सही जवाब आ रहे हैं। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आए, वैसे तो मैंने क्लासे ली है तो आपको टिप्लोसोल आ जाए, तो टिप्लोसोल आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा टिप्लोसोल, टिप्लोसोल तो कौन से भाग का पार्ट थी, तो टिप्लोसोल की बात करते हैं। टिप्लोसोल देखो वैसे तो याद होगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा, फिर भी कुछ स्टूडेंट के दिमाग में नहीं आए तो ऐसा सोचना है टिप्लोसोल केचवे के किसका भाग थी, आंत्र का भाग थी, अमाशय का भाग, स्टोमच का भाग थी, इंटेस्टाइन का थी, या माउथ का पार्ट थी, तो दिमाग में आएगा कि इंटेस्टाइन का भाग थी, क्या थी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दिमाग में आते ही आएगा कि इंटेस्टाइन का तो काम क्या था, मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, मतलब सबसे ज्यादा पाचन भी इंटेस्टाइन में हो रहा था और अवशोषण भी क्या हो रहा था इंटेस्टाइन में हो रहा था, मतलब अवशोषण से रिलेटेड था। और आपको पता है कि इंटेस्टाइन की शुरुआत तो 15वें खंड से ही हो गई थी, ठीक है, लेकिन हम बात करें किसकी, टिप्लोसोल की, तो टिप्लोसोल कौन से खंड से स्टार्ट हो रहा था, तो 27वें खंड से स्टार्ट हो रहा था, याद आ रहा है वो क्लासों की बातें आपको, तो 27 सेगमेंट से स्टार्ट होता है टिप्लोसोल। अब हम इसकी बात करते हैं टिप्लोसोल की, तो टिप्लोसोल की बात करते हैं तो ये सेगमेंट बना देता हूँ दो चार रफली, तो आपको आपको समझ में आए, वैसे तो आपने डिटेल समझ लिया, आपको बताया ये हिपेटिक सिखाती, माना कि 26 सेगमेंट है, ये 27, 28, 29 और 13 ये चलते हैं।
अब आपको पता है कि इस सेगमेंट के बाद 26 के बाद आंत्र की जो एपिथीलियम थी वो क्या करती है, हाँ वो क्या करती है, इसके जो डोर्सल पार्ट था उसकी विलाई आकार में क्या जाती है, बड़ी हो जाती है, ऐसे विलाई आकार में क्या होगी, बड़ी हो जाएगी ऐसे, मतलब ये विलाई बड़ी हो जाती है, जबकि वेंट्रल पार्ट में सेम ऐसा ही था, नॉर्मल थी, ये डोर्सल पार्ट इधर वाला डोर्सल बता रहा हूँ, तो ये विलाई आकार में क्या हो रही थी, बड़ी हो रही थी, और ये विलाई या रसांकुर की बात करते हैं, रसांकुर या विलाई, ये क्या कर रही थी, एब्जॉर्प्शन एरिया को क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, मतलब देखो ये नॉर्मल आंत्र है ऐसी, अगर मैं इसको खींचूंगा तो थोड़ी बहुत ही आएगी, लेकिन इसको खींचूंगा तो काफी लंबी आएगी, मतलब भोजन को ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एरिया को क्या करती है, बढ़ाती है, कौन से सेगमेंट से स्टार्ट होती है, 27 सेगमेंट से, तो ये क्या करती है, द इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया इन इंटेस्टाइन एपिथेलियम, तो इसको क्या करती है, इंक्रीज करती है, एब्जॉर्प्शन एरिया को मतलब ग्रहण करने की क्षमता क्या करती है, इंक्रीज करती है, ओके भाई, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है आपका जवाब, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ टिड्डा निम्न में से किस गण से संबंधित है, ग्रास होपर जिसकी हम बात करते हैं, बिलोंग टू विच इन द फॉलोइंग ऑर्डर, तो कौन सा ऑर्डर है उसका, तो ऑर्थोप्टेरा है, हेमिप्टेरा है, ओडोंटा है या ड्रमोप्टेरा है, कौन सा है भाई, फटाफट रिप्लाई दो, टिड्डे का कौन से ऑर्डर का है, टिड्डा आपको फाइलम तो पता ही है, आर्थ्रोपोडा, क्लास भी आपको पता होगी इंसेक्टा, लेकिन हम यहां बात करें ऑर्डर की, फर्स्ट नंदकिशोर, ओके आगे चलते हैं, फर्स्ट आ रहा है नंदकिशोर का रिप्लाई, आगे देखते हैं फटाफट बताते जाओ भाई, चलो फर्स्ट आ गया, तो आपको बता देता हूँ, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ये कौन सी क्लास का है, वो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्थोप्टेरा, क्या है, ऑर्थोप्टेरा इसका ऑर्डर है, ग्रास हॉपर का ऑर्डर क्या है, ऑर्थोप्टेरा, ओके आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं, हाँ कॉकरोच में अंडकवच, अंडकवच का मतलब क्या होता है, उथिका, क्या है, उथिका का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है, द उथिका इज फॉर्म्ड विच ग्लैंड ऑफ कॉकरोच, तो यूट्रिकुलर ग्लैंड है, फेलिक ग्लैंड है, यूरिकोज ग्लैंड है या कोलेट्रल ग्लैंड है, ये चार ग्लैंड का नाम दे रखा है, तो कौन सी ग्लैंड उथिका का निर्माण करती है, उथिका के बारे में मैं बता देता हूँ, कॉकरोच की बात करें तो अभी तो मैंने एलिमेंट डायसिटी आपको कॉकरोच नहीं पढ़ाया, फिर भी मैं रफली डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ उथिका के बारे में, तो जब हम कॉकरोच की स्टडी करते हैं, कॉकरोच के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं, तो इसमें ये ऐसे खंड पाए जाते हैं, हाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है 9 तक बना रहा हूँ, ओके ऐसे ये सेगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या होती है, इसमें पाई जाती है ओवेरी, ऐसे ओके वन पेयर ओवेरी पाई जाती है, सेकंड से लेकर 6 सेगमेंट तक ओवेरी पाई जाती है ऐसे, ओके सेकंड से लेकर 6 तक पाई जाती है, मैंने यहीं तक बनाया, ठीक है ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसमें, ओके ये है ओवेरी, अंडाशय है, अंडाशय किसके, कॉकरोच के फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या है, ओवेरी है, अंडाशय है, अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर पाई जाती है अंडकक्ष, ऐसे अंडकक्ष पाए जाते हैं इसमें, समझते जाना भाई, ओवेरियोल्स पाई जाती है ऐसे 8, फटाफट समझ से जाना, 8 ओवेरियोल्स पाई जाती है, इधर भी सेम ऐसे ही प्रेजेंट होती है, ठीक है मैं समझा रहा हूँ, अब इन ओवेरियोल्स या एग चैम्बर के मध्य कौन पाए जाते हैं, इनके मध्य पाए जाते हैं एग, कौन पाए जाते हैं एग, एग पाए जाते हैं इनमें, ठीक है भाई एग प्रेजेंट होते हैं ऐसे, इस प्रकार 8 एग तो इसमें और 8 एग इसमें, टोटल कितने एग होते हैं, 16 एग, ऐसे अंडे, ये एग पाए जाते हैं, अंडे पाए जाते हैं, और ये अंडे इस ओविडक्ट से आके कहाँ जाते हैं, इस भाग में आ जाते हैं, वो लगभग 16 अंडे एक साथ एक कतार के रूप में उपस्थित होते हैं, ये 16 अंडे मैं बना रहा हूँ, ऐसे कतार के रूप में उपस्थित होते हैं, इसे बोलते हैं गोनेपोफाइसिस, मतलब इस कतार में उपस्थित होने का काम कौन करता है, गोनेपोफाइसिस, ऐसे होता है इसमें, मतलब 16 अंडे एक साथ आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है भाई समझते जाना, रफली बता रहा हूँ, और यहाँ पाई जाती है स्पर्मेथिका, कौन पाई जाती है स्पर्मेथिका,
यहाँ से और भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, स्परमेतिका। और आपको बताया स्परमेतिका में कौन होंगे, स्परम। कौन होंगे, स्परम होंगे। अब देखते जाना भाई, समझते जाना। और इसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था उसकी भी बात हम यहाँ ही कर लेते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कोलेटर ग्लैंड का, और यहाँ पाई जाती है कोलेटर ग्लैंड, ऐसे ऐसे कोलेटर ग्लैंड पाई जाती है, दो दो होती है, एक तो लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में ऐसे। लेकिन ये क्या होती है, आकार में क्या होती है, बड़ी। ये है कोलेटर ग्लैंड, दिखेगा नहीं आपको, यह है कोलेटर ग्लैंड, कोलेटर ग्लैंड, ठीक है भाई, कोलेटरल ग्लैंड। हाँ, अब देखो, अब क्या होता है, यह क्या है, एग की, एग अंडों की क्या है, कतार है। अब स्परमेतिका में क्या होता है, संकुचन होता है, और स्परमेतिका में संकुचन होगा मतलब ये स्पर्म नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो इन इस एक एक पर बोछार होगी स्पर्म की, और एक पर जैसे ही स्पर्म की बोछार होगी तो इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन तो क्या है, क्या फीमेल कॉकरोच में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो फीमेल शरीर के अंदर हो रहा है या बाहर। अंदर, मतलब कॉकरोच में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या बॉडी के अंदर हो रहा है, हाँ अंदर हो रहा है, तो कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। जबकि केचुए में अलग है, केचुए में बाह्य निषेचन होता है। पहला क्वेश्चन तो ये, ठीक है। दूसरा निषेचन, क्या 16 अंडों में जो 16 एग है, 16 अंडे हैं, 16 अंडे कहां से है, 8 अंडे, 8 अंडों का डेवलपमेंट इधर से हुआ, 8 अंडों का डेवलपमेंट इधर हुआ, क्या 16 अंडों में एक साथ निषेचन होता है, बिल्कुल। तो 16 एग है उनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एक साथ फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब ये अंडे है ना, स्पर्म भी मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब ये फर्टिलाइज एग है, ये फर्टिलाइज एग है, इनके चारों तरफ क्या होती है, ये फर्टिलाइज एग है, माना ये फर्टिलाइज एग है, इनके चारों तरफ क्या होती है, ये जो कोलेटरल ग्लैंड है ये राइट है, ये कौन सी है, लेफ्ट, लेफ्ट ज्यादा डेवलप होती है, लेफ्ट कोलेटरल ग्लैंड क्या करती है, इन फर्टिलाइज एग के चारों तरफ क्या करती है, किसका निर्माण करती है, एक मेम्ब्रेन का निर्माण करती है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं ऊतिका। क्या बोलते हैं, ऊतिका, मतलब एक मिल्की प्रोटीन का सिक्रेशन करती है, कौन सी ग्लैंड, ये ग्लैंड ऐसे सिक्रेशन करेगी, और सिक्रेशन होने के बाद इधर से भी सिक्रेशन होगा, इधर से भी, और इस एग के चारों तरफ क्या बन जाएगी, जैसे सारे एग लगभग दो चार एग इसमें आएंगे, और इस एग के चारों तरफ क्या होगी, एक मिल्की प्रोटीन का, एक दूधीय प्रोटीन का स्त्राव बना लेगी, और उसी का क्या कहते हैं, ऊतिका। तो ऊतिका का निर्माण किसने किया, इस कोलेटरल ग्लैंड ने किया, कौन सी ग्लैंड ने, कोलेटरल ग्लैंड ने, ठीक है भाई। यही हमारा क्वेश्चन था कि ऊतिका का निर्माण, जो अंडकवच, अंडकवच को क्या बोलते हैं, ऊतिका का निर्माण किसने किया, तो कोलेटरल ग्लैंड। अभी जस्ट बताया था कोलेटरल ग्लैंड या संग्राहक ग्रंथि जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो कोलेटरल ग्लैंड या संग्राहक ग्रंथि, ये थर्ड आंसर इसका क्या है, सही है। समझ में आ गया। अब बाकी क्वेश्चन और कौन कौन से बन रहे थे यहां से उनकी बात करते हैं। तो बाकी क्वेश्चन, निषेचन कौन सा होता है, इंटरनल, और इसमें कितने एग में एक साथ डेवलपमेंट होता है, 16 एग में, इसमें क्या वन पेयर ओविडी पाई जाती है, बिल्कुल वन पेयर ओविडी पाई जाती है। कितने अंडे होते हैं, 8 अंडे इसे, 8 अंडे इसमें, ठीक है, दोनों अंडे यहाँ के एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। स्परमेतिका में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस पे स्पर्म की बोछार होगी, और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लगभग कंप्लीट सा है, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें। अब आपको पता है जो एग होगा, एग से कौन निकलेगा, निम्फ निकलेगा, निम्फ में क्या होंगे, मोल्टिंग होगी, और क्या बनेगा, एडल्ट, क्या बनेगा, एडल्ट, ठीक है, एडल्ट बनेगा। अब कितने निम्फ, निम्फ जो निम्फ बन गए वो एडल्ट बनने में लगभग एक साल लगाता है, वो लगभग 7 से 13 निर्मोचन, कितने 7 से 13 मोल्टिंग होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और औसत पूछे, एवरेज पूछे तो 10 मोल्टिंग के बाद, एक निम्फ 10 मोल्टिंग के बाद किसमें चेंज होता है, एडल्ट में। निम्फ वैसे तो एडल्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें दो चीजों का क्या होता है, अभाव। पहला है विंग्स, क्या है, विंग्स, पंख, और दूसरा है गोनेड्स, क्या होते हैं, गोनेड्स, जननांग, इनका क्या होता है, अभाव। ये बहुत सारे क्वेश्चन हो गए कि निम्फ वैसे तो एडल्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें विंग्स और गोनेड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, विंग्स और गोनेड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ओके, निम्फ को एडल्ट बनने में कितने मोल्टिंग होती है, तो 7 to 13, और एवरेज पूछे तो 10 मोल्टिंग होती है। कितना साल लगता है, तो लगभग एक साल लगता है। ये कंप्लीट हुआ भाई आपका ये क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं, सबके समझ में आ गया होगा, कोलेटर ग्लैंड बिल्कुल सही है। अशर का एडमिट कार्ड कब आएगा, हाँ तो गोपाल बता दिया जाएगा, आप नोटेंस रहो, ऐसा नहीं कि एग्जाम लग जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। सर इनमें डायस्टी क्लास कब होगी, ये भी मुझे भी नहीं पता, जब चल रहा है उसको चलने दो भाई, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं उभयचरों का 2019 का क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। उभयचरों का अभिलाक्षणिक लक्षण है, जो एम्फीबियन है उनका मेन करेक्टर क्या है, एम्फीबिया। तो हम जब कोर्डेटा की बात करते हैं, तो कोर्डेटा में सबसे पहले आती है फिश, फिर आता है एम्फीबिया, फिर आता है रेप्टाइल्स, क्लास बताई थी मैंने एलिमेंट डाइवर्सिटी काफी बार, रेप्टाइल्स, फिर आता है एवीज, फिर आता है मैमल्स।
मतलब ये कोऑर्डिनेट्स है और इनमें हम बात करते हैं, हम पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है एमपीवे की बात पूछ रहा है कि एमपीवे का कौन सा करेक्टर है इनमें से। तो द करेक्टर करेक्टरसाइट्स ऑफ एमपीवे का विशेष स्पेशल करेक्टर अभिलक्षण क्या है, कठोर सलकों का डका रहना ये नहीं है, क्यों नहीं ये बताऊंगा, दी कोष्ठी हृदय ये भी नहीं है, इसका कारण मैं बता रहा हूँ, नखरयुक्त अंगुलियां ये भी नहीं है। तो कौन सा आएगा भाई बताओ, आप फटाफट रिप्लाई दो कौन सा आएगा फोर्थ। वैसे काफ़ी देर से आ रहे हैं, सीता खडीक है ना, नीतू तंवर, आदित्य फौर, मोहन चौधरी, जय श्री कृष्ण गुरुदेव, जय श्री कृष्ण दोस्त, काफ़ी दिनों से आए हो आप, ठीक है, गोपाल सोलंकी, मनीष जाखर, मनीष ढाकड़, चलो काफ़ी का सही आ रहा है बिल्कुल। हाँ तो कौन सा आएगा फोर्थ, नम व ग्रंथिन युक्त त्वचा, मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर क्या होती है स्किन, कैसे बाकी को कैसे गलत किया, वो किसमें होते हैं उनकी बात करते हैं। तो कठोर सलकों से डखा है ना, क्या होते हैं हार्ड स्कल्स, ये किसका लक्षण है, ये लक्षण है रेप्टाइल्स का, किसका लक्षण है रेप्टाइल्स का, ओके। नखरयुक्त अंगुलियां क्ले या नेल्स या क्ले, नखरयुक्त अंगुलियां भी किसका है रेप्टाइल्स का, किसका है रेप्टाइल्स का। दी कोष्ठीय टू चैम्बर्ड हार्ट, टू चैम्बर्ड हार्ट किसका है फिश का, किसका है फिश का। तो इस नम मॉइस्ट स्किन और जो ग्रेनुलर स्किन है आपको नम, देखो आप जब भी एमपीपी की बात आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कौन मेंढक, मेंढक आते ही आपने कभी मेंढक को छुआ होगा तो इस क्वेश्चन को सही कर दिया होगा भाई, ज्यादा क्वेश्चन 2019 का नॉर्मल क्वेश्चन था, जब आप मेंढक को छूते हो तो उसकी त्वचा कैसी होती है, चिकनी दिखाई देती है, नम दिखाई देती है, तो आपको ये तो कन्फर्म हो गया कि मेंढक की त्वचा नम होती है, ठीक है। लेकिन उसकी त्वचा को स्पर्श किया होगा तो उसमें जो ग्लैंड होती है वो भी क्या होती है प्रेजेंट होती है, वो उसको नम वो चिपकना बनाए रखती है क्योंकि वो रेस्पिरेशन में क्या करती है हेल्प करती है। तो ये सही आ गया, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है भाई, ओके आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं निम्न में से कौन सा जंतु आभासी गुह्य है, शुडोशिलोमेट होता है, आभासी गुह्य होता है, इंपॉर्टेंट है, बताया था जंतु को देह गुहा शिलोम के आधार पर, शिलोम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, आंसर बताओ भाई कौन सा आएगा इसमें, आंसर बताओ फटाफट। दो आईसीआर 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई 2019 आईसीआर का क्वेश्चन है, जेटी क्वेश्चन कंप्लीट हुई, आईसीआर का क्वेश्चन है 2019 का, बताओ फटाफट आभासी गुह्य कौन सा है। तो मैंने बताया था शिलोम के आधार पर, परगुहा के आधार पर जंतुओं को तीन भागों में बांटा गया है, आप आंसर देते रहो। पहला है एशिलोमेट, एशिलोमेट एगुह्य, दूसरा है आभासी गुह्य, याद आ रहा है आभासी गुह्य, याद आ रहा होगा, जिसको हम बोल सकते हैं शुडोशिलोमेट, शुडो जो यहां पूछा गया है, ठीक है, शुडोशिलोमेट, शुडोशिलोमेट बॉडी कैविटी, ठीक है, तो ये आभासी गुह्य है। और थर्ड है ट्रिशिलोमेट, ट्रिशिलोमेट उसमें दो फड़े थे हमने, एक साइजो और एक एंटेरो, एक साइजो और एक एंटेरो फड़ा था, याद आ रहा है आपको, एक साइजो और एक एंटेरो, किसी को थोड़ा मैं कम कर देता हूं, एक साइजो और एक क्या था एंटेरो, एक साइजोशिलोमेट और एक क्या था एंटेरोशिलोमेट, ओके साइजो सिलोमेट और एक क्या था एंटेरो, एंटेरो सिलोमेट, फटाफट बताओ ये कौन सा है, रिप्लाई दो भाई फटाफट। थर्ड आ रहा है अधिकांश का रिप्लाई, थर्ड, थर्ड को देखते हैं तो कौन सा एनिमल है उसकी बात करेंगे हम, कौन सा एनिमल है उसकी बात करेंगे, ठीक है, थर्ड बता रहे अधिकांश बच्चे एस्केरिस, ऑप्शन देख लो, एपिस मधुमक्खी, नेरिज एनिलिडा का है, टीनिया प्लेंटरमंथीज का है, एस्केरिस एस्कलमंथीज का है, एपिस मधुमक्खी है तो आर्थ्रोपोडा का है, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है भाई, ओके। आपको पता है कि सिलोम के आधार पर जंतुओं को तीन भागों में बांटा गया है, एगुह्य होता है वो होता है प्लेंटिहेलमिंथीज में, किसमें प्लेंटिहेलमिंथीज में, प्लेंटिहेलमिंथीज में होता है। आभासी गुह्य की बात करते हैं तो वो एस्केलमिंथीज में होता है, अभी जस्ट बात की एस्केलमिंथीज में एस्केरिस, ठीक है। फिर बात करते हैं साइजो के एग्जाम्पल, आम, आम मतलब एनलिडा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, और इसकी बात करते हैं तो मोलस्का के बाद इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। तो सिलोम की शुरुआत कहां से हुई, प्लेंटिहेलमिंथीज में, कौन सी है एगुह्य, आभासी गुह्य किसमें एस्केलमिंथीज में, अगला एस्केलमिंथीज से अगला एनलिडा, फिर अगला आर्थ्रोपोडा, फिर अगला मोलस्का, ये क्या है साइजो, और बाकी बच गए वो एंटेरो, पहले भी ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईसीआर 2019 का क्वेश्चन है, ओके आगे चलते हैं। तो जंतुओं को शिलोम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, एगुह्य आभासी गुह्य और सत्य गुह्य,
इंग्लिश में एशिलोमेट, शुडोशिलोमेट और ट्रिशिलोमेट। एग्वीए किसका, एग्वीए का एग्जांपल क्या है? प्लेंटमदीज। ये नहीं बताऊंगा एग्वीए का मतलब क्या है, जब आप क्लासे लोगे मेरी तो पहले क्लासों में ये चीजें बता चुका हूं भाई, है ना। अब क्वेश्चनों में ये चीजें नहीं बता सकता मैं। तो एशिलोमेट का मतलब, एशिलोमेट एग्जाम्पल प्लेंटमदीज, आभाषी गुहे का एस्कलमंतीज, सत्य गुहा दो प्रकार की, साइजोशिलोमेट और एंट्रोशिलोमेट। साइजो के एग्जाम्पल एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्कार, एंट्रो का मतलब इकाइडोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। अगली क्लास, अगला क्वेश्चन, नर कॉकरोच मादा कॉकरोच में किसकी उपस्थिति कारण भिन्न होती है? द मेल कॉकरोच डिफरेंट फ्रॉम फीमेल कॉकरोच द प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में क्या होती है, मेल फीमेल से क्या होता है, डिफरेंट होता है। जेड 2019 का क्वेश्चन है भाई, पिछले साल का ही है, ठीक है। तो किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होता है बताओ? प्रेजेंस ऑफ मोर स्पारिकल्स, वन पेयर ऑफ एनल स्टाइल, वन पेयर ऑफ एनल सरकाई और लार्ज साइज, क्या कारण होता है? फटाफट रिप्लाई दो भाई, किसकी उपस्थिति कारण भिन्न होता है मेल कॉकरोच फीमेल से? ओके, थर्ड ऑप्शन आदित्य, सेकंड ऑप्शन आदित्य, दिनेश खाटू। तो दिनेश खाटू, आप खाटू खाटू श्याम जी से की तरफ से हो क्या, शिखर खाटू श्याम जी, या नामी खाटू है? रोहित नागर सेकंड, गोपाल, अंजलि चौधरी, राजेश धाकर, के राजस्थानी, नीतू तंवर, नीरज, लोकेश, थर्ड सेकंड पे लॉक कर दूँ? दिनेश खाटू सेकंड पे लॉक करवा रहा है, देखते हैं तेरा लॉक सही है या खुल रहा है लॉक। कमलेश, रिंगस सेकंड, इनेल सरकाई, देखते हैं। बहुत बढ़िया, कॉपी का रिप्लाई सही भी आ रहा है कि कोई थर्ड कोई सेकंड, मतलब दो ही ऑप्शन बता रहे हो आप, या तो सेकंड या थर्ड, ऐसा क्या है? फर्स्ट और फोर्थ में आपको दिक्कत है क्या भाई? कोई तो बताओ फर्स्ट और फोर्थ, एनीमन? कोई नहीं बता रहा। अच्छा, आ गए हितेश जांगेड आ गए फोर में, बहुत बढ़िया। ओके, मोहन चौधरी सेकेंड, लोकेश, मनीष, राजेश, अरुण काला। ओके, चलते हैं, कर्मा चौधरी सेकंड, चल दो। चलो भाई, इसको देखने से पहले हम देखते हैं एक डायग्राम, क्योंकि हमेशा हम डायग्राम की ही बात करते हैं, हम फीमेल कॉकरोच की बात करते हैं, मेल कॉकरोच की बात करते हैं, तो एक डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम हाँ बना देते हैं, रफली डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा लोड भी ना हो और समझ में आ जाए, ठीक है। रफली डायग्राम, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर रहा मैं भी, ठीक है, टाइम नहीं है डेकोरेशन का, वरना तो डेकोरेशन तो जोरदार होती है भाई, ठीक है, लेकिन टाइमिंग बहुत कम है ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपकी आने वाली है, पेपर सोल्व करवाना है। ओके, आपको पता है कॉकरोच, सॉरी इसकी बात करते हैं, हाँ, इसके बॉडी को तीन पार्टों में बांटा गया है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन, ठीक है। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि तीन पार्टों में बांटा गया है, ये हेड है, ठीक है, ये आईज, ठीक है, आईज हो गई, ये एंटीना हो गए, ठीक है। थोरेक्स की बात करते हैं तो आपको पता है क्या पाई जाती है, टांगे पाई जाती है प्रत्येक सेगमेंट में, जबकि मिड में और इनकी बात करते हैं, यहाँ विंग्स पाए जाते हैं, ये बड़े होते हैं और ये क्या होते हैं, छोटे। ऐसा आपने फड़ा होगा शायद, तक जहाँ तक मुझे पता है फड़ा ही होगा, ठीक है, ऐसा पोजिशन होती है। थ्री फेयर टांगे पाई जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं, हेक्सापोडा भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, हम बात करें सेगमेंट्स की। इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाला बड़ा होता है, 8, 9, 10, ऐसे 10 सेगमेंट पाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या फटेंगे, उसमें देखते जाओ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ, अभी मैंने लास्ट वाला सिरा नुकुला क्यों बनाया है ना, तो उसमें क्या करती है, जो फीमेल होती है वो क्या करती है, मिट्टी में गड्ढा बनाती है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसका नुकीला सिरा होना चाहिए, तो ऐसे नुकीला होता है सिरा लास्ट वाला, ठीक है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि किसकी, ऐसा क्या है कि फीमेल कॉकरोच और मेल कॉकरोच आपस में क्या है, डिफरेंस है, उनको देख कर कैसे पहचान कर लेंगे ये मेल है फीमेल है। तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ 10 रूम है, ऐसे मान लो 10 रूम है इसके एब्डोमन में, और 10वें रूम की बात करते हैं तो यहाँ इसमें कुछ अलग ही है भाई, क्या है, कुछ अलग है, ठीक है। 9वें रूम की बात करते हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, 10वें रूम की बात करते हैं तो ये क्या है अलग, और 9वें रूम की बात करते हैं तो ये क्या है, 10वें रूम की बात करते हैं ये है एसी, 10वें रूम में क्या चल रही है, एसी चल रही है भाई। अभी तक 10 रूम है, उनमें से लास्ट वाले रूम में, जो लास्ट वाला रूम है उसमें क्या चल रही है, एसी। एसी का मतलब एनल सरकाई, सरकाई क्या, एनल सरकाई, ठीक है भाई, एनल सरकाई,
एनएल सर का ही, ओके। जबकि नवे रूम की बात करते हैं, नवे खंड की बात करते हैं, तो वो है एएस, क्या है एएस, एनएल स्टाइल, एनएल स्टाइल, ठीक है। इसको गुदा कंटिकाएं बोलते हैं साहित्यक हिंदी में, गुदा कंटिकाएं, हिंदी में गलत हो सकता है भाई दरखणा, लेकिन आपको पता है अभी ऑप्शन में केवल इंग्लिश थी, इसके गुदा लूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुदा लूम, हिंदी में मैं बता देता हूँ गुदा लूम, ओके। तो दसवें रूम में क्या चल रही है, एसी चल रही है भाई, किस में, कॉकरोच में, एसी एनएल सरकाई, ए मतलब एनएल, सी मतलब सरकाई, और यहाँ क्या हो रही है, एस हो रही है, एस, एसी जो यहाँ चल रही है और एस कहाँ हो रही है, यहाँ, एस का मतलब एनएल स्टाइल, क्या है, एनएल स्टाइल, ठीक है भाई। अब ऐसा क्या है, दो चीजें बता दी सर, किसको देखकर हम इसमें डिफरेंट क्या करें कि मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है, तो आपको बता देता हूं, जो एनएल स्टाइल है वो ओनली किसमें प्रेजेंट होती है, मेल कॉकरोच में, ओनली किसमें प्रेजेंट होती है, मेल में, फीमेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है, फीमेल में नहीं होती। तो बाह्य तौर पर सेक्स को देखना हो कि मेल है कि फीमेल है, तो किसको देखकर करते हैं, एनएल स्टाइल को देखकर हम पहचान करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। अगर पता पड़ा, अच्छा एनएल स्टाइल है, ओ ये तो मेल है, इसको अलग करो, अच्छा एनएल स्टाइल नहीं है इसमें, नवे खंड में देखते हैं एनएल स्टाइल नहीं है, अच्छा इसको अलग करो, ये देखकर हम पहचान कर सकते हैं कि मेल या फीमेल है। अब ये क्या काम करता है, एसी क्या हवा देती है इसमें, नहीं भैया हवा नहीं दे रही एसी, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एसी चल रही है दसवें रूम में तो हवा, वो तो मैंने याद करने के लिए बताया कि आपको पता रहे कि एसी सबसे लास्ट वाले खंड में थी, मतलब दसवें खंड में थी, जबकि एनएल स्टाइल की बात करते हैं तो वो कौन से खंड में थी, नवे खंड में। तो ये क्या करती है, वाइब्रेशन से रिलेटेड या वॉल्यूम, वॉल्यूम को एब्जॉर्ब, ध्वनि को ग्रहण करने का काम करती है, ओके। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्या था क्वेश्चन का, एनएल यहाँ क्या जाया, किसको देखकर करते हैं सेक्स की पहचान, एनएल स्टाइल को देखकर करते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एनएल स्टाइल कहाँ मिल रहा है, तो देखो वन पेयर ऑफ एनएल सरकाई, देखो हिंदी में एनएल सरकाई लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, वन पेयर ऑफ एनएल स्टाइल, तो कौन सा जाएगा, सेकेंड, कौन सा जाएगा भाई, सेकेंड, एनएल स्टाइल को देखकर हम करते हैं, एसी को देखकर नहीं करते, एसी का तो कौन से रूम में थी, दसवें रूम में, दसवें खंड में थी, क्या काम करी थी, वॉल्यूम को, वॉल्यूम को ग्रहण करने का काम करती है, जो ध्वनि है उसको ग्रहण करने का काम कर रही थी, ओके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ, इनफेरिटिमा आफ्टर विच सेगमेंट टिफ्लोसोल इज फॉर्म्ड, कौन से खंड के बाद टिफ्लोसोल स्टार्ट होती है, सबसे लंबी फेज कौन सी होती है, ये पूछा है सोनिया ने, तो बता देता हूँ सबसे लंबी कौन सी फेज होती है। अच्छा आपने वहाँ पूछा है, क्या आप सही पूछ रहे हो, आपने से स्पर्मेटोजेनेसिस में पूछ रहे हो क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो ग्रोथ फेज, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में तीन फेज थी, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज, तो वहाँ कौन सी फेज सबसे लंबी थी, स्पर्मेटोजेनेसिस में ग्रोथ फेज सबसे लंबी प्रावस्था होती है, क्योंकि वहाँ क्या होती है, जो स्पर्मेटोगोनिया को क्या करती है, डेवलपमेंट में क्या लगता है, टाइम लगता है, तो ग्रोथ फेज सबसे लंबी प्रावस्था होती है, ठीक है भाई। तो बता देता हूँ ग्रोथ फेज वहाँ सबसे लंबी प्रावस्था थी, ओके। हाँ तो शायद तक मेरे हिसाब से यही आपका डाउट होगा, जिस हिसाब से पूछ रहे हो, ग्रोथ फेज ही मैंने देखा है ना, परिपक्व फेज आपने थोड़ा सा वैसे लिख रखा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से आप वही पूछ रहे हो, वहाँ तीन फेज थी, मल्टीप्लिकेशन फेज, है ना, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज, ठीक है। तो ये ग्रोथ फेज थी स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये सबसे लंबे टाइम की होती है, सबसे लंबी प्रावस्था होती है, ओके, अगर यही क्वेश्चन आपका होगा तो, ठीक है भाई। तो अब हम यह बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो टिफ्लोसोल कौन से खंड के बाद होती है, तो जस्ट मैंने बताया था टिफ्लोसोल कौन से खंड के बाद स्टार्ट होती है, तो 26 खंड के बाद, मतलब शुरुआत कहां से होती है, तो 27 खंड से स्टार्ट होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, हाँ, प्राणी जगत का वर्गीकरण निम्न लक्षणों के पर आधारित है, कौन से लक्षण है जिससे प्राणी जगत का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम बेस्ड ऑन फॉलोइंग करेक्टर, कौन से करेक्टर है जिसको देखकर एनिमल किंगडम का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, फटाफट बताओ, जल्दी करो भाई, टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन को हम बहुत धीरे धीरे सोल्व कर रहे हैं। खाटू नगरी से हो, बहुत बढ़िया, मैं भी उधर से ही हूँ, खाटू नगरी से हो आप, ओके। बता दिया सुनन्या, मैंने जस्ट बताया सबसे लंबी फेज कौन सी होती है, ग्रोथ फेज, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में डाल दो, मैं आपके आंसर का रिप्लाई दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी वीडियो अपलोड हो जाए आपके उसके बाद, इसके इसका फटाफट रिप्लाई दो भाई, कौन सा आएगा,
जब भी हम क्लासिफिकेशन के बेसिस की बात करते हैं तो आपको पता है क्लासिफिकेशन के बेसिस मैंने बहुत सारे बताए थे, संगठन के स्तर, समिति, ठीक है, क्या बताया, शिलोम, इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक, इसके अलावा सेगमेंटेशन, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अलावा बहुत सारे मैंने बताए थे। उनमें से देखते हैं हम क्या संगठन के स्तर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल ये चल रहा है, चल तो समिति सिमिट्री थी, बिल्कुल सिमिट्री भी थी, और लोकोमोशन ये नहीं था भाई, ये गलत हो गया, इससे पहले एक और था, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये होता है, बिल्कुल सही बात है, सिमिट्री भी होती है, ये भी सही बात है, और सिलोम भी होती है, ये भी सही बात है। मेटाबॉलिज्म का कोई रोल नहीं था, मेटाबॉलिज्म का कोई रोल नहीं था, हैबिटेट का कोई रोल नहीं था, हैबिटेट का भी कोई रोल नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन का भी कोई रोल नहीं था, इसका भी कोई रोल नहीं था। तो कौन सा जाएगा? फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बेसिस आप देख सकते हो एनिमल डाइवर्सिटी की फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में मैंने क्लासिफिकेशन के बेसिस के बारे में आपको बताया था। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सिलेंट्रेट की विशेष दंश कोशिकाएं, स्पेशल स्टिंग ग्लैंड, स्टिंग मतलब दंश सेल्स का क्या नाम है? तो मैंने बताया था सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का सबसे स्पेशल करेक्टर था, उनमें स्टिंग ग्लैंड पाई जाती है, दंश कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, कांटे चुबाने वाली सेल्स पाई जाती है, उनका नाम था नेमेटोसाइट सेल, नेमेटोसाइट सेल्स, इसी का नाम था नेमेटोब्लास्ट सेल, नेमेटोब्लास्ट सेल, ब्लास्ट सेल, और इसी का नाम था, क्या नाम था? नेमेटोसिस्ट सेल। क्या था? नेमेटोसिस्ट, ठीक है, नेमेटोसिस्ट मतलब जो स्टिंग का जो कैप्सूल था, एक कैप्सूल था, उसी को क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारे स्टिंग्स है उसका कैप्सूल क्या बोलते हैं? नेमेटोसिस्ट, ठीक है। तो फ्लेम सेल नहीं है, ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, किसका? प्लेंटल मंथीज का, तो ये नहीं है। कोनोसाइट या कोलर कोशिका पोरीफेरा में होती है, ये भी गलत हो गया, अगर आपको इसे याद होगा तो। स्क्लेरोब्लास्ट भी नहीं होगा, तो कौन होगा? नेमेटोसिस्ट सेल, आपको याद है नेमेटोसिस्ट सेल का ही, नेमेटोसिस्ट सेल क्या है? कैप्सूल है स्टिंग ग्लैंड का, एक मतलब बहुत सारे स्टिंग ग्लैंड एक कैप्सूल में रहते हैं, उसे नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। इसी दंश कोशिकाओं का अन्य नाम क्या है? नेमेटोसाइट या नेमेटोब्लास्ट सेल। क्या हो गया? नेमेटोब्लास्ट सेल। ये कंप्लीट हुआ जेड 2019 का क्वेश्चन, ठीक है भाई, सबके समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। आगे हम चलते हैं, अब हम बात करेंगे एनिमल डाइवर्सिटी के क्वेश्चनों की बात करेंगे। बहुत अच्छी स्लाइड है लक्ष्मण जी, आपने बहुत अच्छा काम किया एनिमल डाइवर्सिटी के सारे, देखो क्रोकोडाइल की बात करते हैं, नेरिस की बात करते हैं, इधर रैबिट इसकी बात करते हैं, माउस की बात करते हैं, सारे एनिमल्स लगभग इसमें आ गए, फोरीफेरा के एनिमल्स हो गए, ठीक है। चलो ओके, ये ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, हाँ, ये सी हॉर्स हो गया, समुद्री घोड़ा हो गया, ठीक है। तो हम एनिमल डाइवर्सिटी क्वेश्चन करेंगे जो आईसीआर में आए हुए हैं, जेट में आए हुए, मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए एनिमल डाइवर्सिटी के। अब हम इस क्वेश्चन कौन से करेंगे जो आईसीआर में आए हुए क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे, आज टाइम कम है, कल से हम स्टार्ट करेंगे ओनली आईसीआर के क्वेश्चन, ठीक है, ओनली आईसीआर के क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो जो बच्चे आईसीआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम को देखते हुए, वो आईसीआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बता देता हूं कि अब हम ओनली आईसीआर के क्वेश्चनों की बात करेंगे। जो पहला हमारा टॉपिक होगा एनिमल डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन मैंने उसी में करवा दिए थे जो जेट लगा के थे, इसके दो टॉपिक हो जाएंगे हमारे। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन, क्या करेंगे? इवोल्यूशन। उद्विकास के क्वेश्चन भी आपको मैं सोल्व कराऊंगा, क्योंकि वहां से हर साल 6 से 7 क्वेश्चन, बता देता हूं, हर साल 6 से 7 क्वेश्चन आते रहते थे, क्या पता कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। जैसे एक डेमो के लिए बता देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु आभासी गुहे होता है? ए गुहे होता है, ए शिलोमेट होता है, सॉरी आभासी गुहे शूडो शिलोमेट होता है, कौन सा? शूडो शिलोमेट फॉल्स या शूडो शिलोमेट, शूडो शिलोमेट होता है। तो ये क्वेश्चन अभी बताया था मैंने, जेट में भी आया हुआ था और आईसीआर में भी आ गया, ऐसे रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जो अगली क्लास होगी वो होगी एनिमल डाइवर्सिटी के, कल की क्लास का टाइमिंग भी यही है, 6 से 7 टाइमिंग रहे है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बोलो कि क्लासें लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लासें लो भाई, लास्ट टाइम है, आप क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दो। देखो मेरा मानना अलग है, आप है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मेरा है थ्योरी, जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो बार बार थ्योरी आप पढ़ रहे हो उससे अच्छा है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे क्या होगा आपको गलतियों का पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, फिर आप थ्योरी में देखो कि हाँ मेरी क्वेश्चन की गलती हुई, मैं यहाँ से इसकी वो करता हूँ, ठीक है भाई। तो सीटें सोल्व करो, जो भी कोचिंग के पास आपकी सीटें हैं, मटेरियल है, उनको सोल्व करो, उसके बाद जो आपके टेस्ट लगे थे इस टाइम पे क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। इस टाइम में वो काम करना है जो शॉर्ट एंड स्वीट हो, मतलब जो सारांश हो, सारांश क्या मिलेगा आपको, जो भी कोचिंग में आपको सीट मिली है जिस टॉपिक की, जैसे एनिमल डाइवर्सिटी की सीट मिली है तो उसको सोल्व कर दो, ठीक है, रिप्रोडक्शन की मिली तो उसको, एवोल्यूशन की मिली तो उसको, नर्वस सिस्टम की मिली तो उसको, जो भी टॉपिक इकोलॉजी की मिली तो उसको। फिर उसके बाद क्या करना है,
जो टेस्ट पेपर लगे थे आपके, एक साल के लॉन्गियर के बच्चे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ट्वेल्थ के बच्चे हो तो मैं बता देता हूँ आपको, जो पहले पुराने पेपर जो सॉरी आपके टेस्टों में जो पेपर आए थे अभी तक, उन सारे टेस्टों के पेपर को सॉल्व करो, क्योंकि अधिकांशतः लगभग 70% क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद जो आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करते जाओ, बस कॉन्फिडेंस अपने आप आपका इंक्रीज होता जाएगा। ओके, शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। ओके।